नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है NWDA की तरफ से, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। जूनियर इंजीनियर और ड्राफ्टमैन की वैकेंसी निकाली गई है। वैसे तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार की वैकेंसी है, लेकिन अपन बात करने वाले केवल टेक्निकल वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आने वाला भारत सरकार का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। सैलरी बहुत ही शानदार रहेगी, 50,000 रुपये के आसपास में आपकी सैलरी बन जाएगी, 60 साल तक आपकी नौकरी रहने वाली है। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ चुका हूं। यहां पे आने के बाद में आपको वैकेंसी का एक यहां पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके बाद वैकेंसी डिटेल्स पे आपको आ जाना है। उसके बाद पहली जो लिंक दिखाई दे रही है इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, सबसे पहले क्लिक हियर फॉर रजिस्टर। छोटा सा तरीका वो मैं आपको बता देता हूं किस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई करना है। तो यहां पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए आपको लॉगिन का ऑप्शन यहां पे दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आपको मेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो कुछ इस हिसाब से आपको आवेदन करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इनकी तरफ से कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो बच्चा एलिजिबल है इसमें आवेदन जरूर कर दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, हालांकि वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन छोटी छोटी वैकेंसी में आवेदन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी साल भर आती रहती है, लेकिन बड़े डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी कुछ ही बार आती है और फॉर्म भी बहुत ज्यादा अप्लाई किए जाते हैं। तो छोटी वैकेंसी के बारे में आपको जब भी पता चलता है परमानेंट वैकेंसी हो तो वहां पर भी आपको आवेदन करना चाहिए। वैसे ये जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में सभी प्रकार की अपडेट वहां पे सबसे पहले शेयर करता हूं। नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ऑलरेडी 4,000 के आसपास में बच्चे उसको ज्वाइन कर चुके हैं। पहली जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। पे लेवल बहुत ही शानदार है दोस्तों। पे लेवल 6 की यहां पे पेमेंट आपके बढ़ेगी 35,400 आपकी बेसिक पे रहने वाले 50,000 रुपए के आसपास में सैलरी बन जाएगी। अंडर जो कैटेगरी के लिए जेई सिविल की 7 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। 80 की वैकेंसी नहीं है, तो 80 वाले बच्चे वो अंडर जीरो कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। टोटल यहां पे 13 वैकेंसी रखी गई है। 18 से लेकर के 27 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। एससी और एसटी को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी जो टेक्निकल वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की वैकेंसी, यहां पे लेवल 4 की आपकी सैलरी बनेगी। 25,500 आपकी बेसिक पे रहने वाली, तो 40,000 रुपए के आसपास में सैलरी बन जाएगी। यहां पर भी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो। टोटल मिलाकर के यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 6 वैकेंसी है। अधिकतम आयु सीमा यहां पर भी 27 वर्ष रखी गई है। तो ये दो वैकेंसी यहां पे टेक्निकल वैकेंसी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी कम है, लेकिन कम वैकेंसी के नाम पर देख के आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भारत सरकार के और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के इस प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर परमानेंट वैकेंसी आती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है तो काफी सारे बच्चे वो आवेदन वहां पे नहीं करते या फिर बच्चों को पता नहीं चलता है। तो ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट, अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर ही रहे हो तो यहां पर भी आपको आवेदन जरूर करना है। जेई सिविल में बात करें तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है या फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है, वो सब बच्चे यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की बात करें तो देखिए, ड्राफ्टमैनशिप सिविल के अंदर जिन बच्चों के पास डिप्लोमा है या फिर ड्राफ्टमैनशिप सिविल के अंदर आईटी है, तो वो सब बच्चे यहां पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आईटी और डिप्लोमा वाले दोनों बच्चे यहां पर आवेदन करेंगे, डिग्री वाले भी आवेदन करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म की पर बात करें तो 18 मार्च यानी कि आज की डेट से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया। 17 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। हालांकि एप्लीकेशन फीस काफी ज्यादा रखी गई है। अंडर जो कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस से यहां पे लगभग टोटल चार्ज मिलाने के बाद में 1,000 रुपए के आसपास में फीस रहेगी। बाकी एससी एसटी विकलांग कैंडिडेट है, उनसे 600 रुपए के आसपास में चार्ज लिया जाएगा। अब आपको बता दूं कि आवेदन किस हिसाब से करना है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आपको आवेदन करना है। आवेदन करने का तरीका ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहले स्टेज में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ओएमआर शीट पे आपका पेपर रहने वाला है। उसके बाद में इस एग्जाम के आधार पे अंडर रिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 20 गुना सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी एससी एसटी विकलांग बच्चे हैं उनको 50 गुना सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जिन बच्चों का सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में ये दोबारा से आपका सेम पैटर्न पे आधारित एग्जाम लेने वाले हैं। ये जो आपका दूसरा पेपर रहेगा इसमें जो आपके नंबर बनेंगे उसके आधार पे फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, आपका सिलेक्शन होने वाला, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अप्लाई करते टाइम आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर
बता रखे हैं, तो इनके जरिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, जो बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप जॉब अपडेट के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।